हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर एट फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो याद करो स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन से और आप पूरी मेंडल की जेनेटिक्स कंप्लीट कर चुके हो एंड मॉर्गन की जेनेटिक्स भी आप कंप्लीट कर चुके हो है ना सो so, आपका जो टफ uh, पार्ट था आई वुड से वो खत्म हो चुका है तो आप आगे आने वाले लेक्चर में आप थोड़े खुश हो सकते हो सिर्फ पैटेगरी थोड़ी बच्चों को टफ लगती है बाकी अदरवाइज सारा का सारा आप तुम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे म्यूटेशंस के बारे में पढ़ोगे बहुत इजी है थियोरेटिकल पार्ट है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर जो मेनली फोकसड होगा ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है तो हम पढ़ेंगे एज यूजल कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ आपको होमवर्क मिलेगा ठीक है पहला तो हमेशा आपको होमवर्क ये मिलता है पढ़ करके आना रिवाइज करके आना नहीं पढ़ के आयो नहीं रिवाइज करके आयो अभी पॉज करो निकल जाओ तुम लोग के लिए बिल्कुल ये लेक्चर देखना बिल्कुल मना है ठीक है बिल्कुल क्योंकि कोई फायदा नहीं है अब आप सोचते हो कि मैं हमेशा यही कहती बेटा कोई फायदा ही नहीं है अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे ठीक है मैं आऊंगी अपने उसी यूजुअल टाइमिंग पे आपको लेक्चर करूंगी बट अगर आप अपना होमवर्क अपना टास्क नहीं करके आ रहे हो तो देर इज नो पॉइंट तो प्लीज बताया करो येस मैम वी आर डन विद रिविजन होमवर्क के आंसर बच्चे बहुत कम देते हैं क्यों भाई ट्राई नहीं करते बिकॉज आंटी ट्राई बेटा हाउल गेट टू नो कि क्वेश्चन आपको लगाना कैसे है ठीक है मैथ्स में भी यू नीड टू डू प्रैक्टिस सिमिलरली जेनेटिक्स में भी आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन पे यू विल गेट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस शीट्स को जरूर लगाया करो पहले ही नहीं की सोल्यूशन देख करके पहले ही बैठ जाओ पहले खुद से सॉल्व किया करो सॉल्यूशन जो आपको मिलता हो उससे मैच किया करो कि आपका कितना सही हो रहा है ठीक है एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है क्योंकि सब्जेक्टिव में एग्जैक्ट आप रट करके आप अपनी भावनाएं रिप्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो ठीक है तो वो मैच कर लिया करो क्या सारे पॉइंट आपके आंसर शीट में है या नहीं बाकी तो गुड टू गो है ठीक है आओ तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना जैसे आ, आपने इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी सुना होगा क्या सुना होगा बेटा इनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो व्हाट इज इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पहली बार सुन रहे हो नहीं आपने सुना होगा जैसे बेटा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें दिखाई देता है क्रोकोडाइल्स एंड टोटल्स बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट मींस आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर जो सेक्स डिटरमाइन होता है कि कोई मेल है या फीमेल है ये किस पे डिपेंड करता होगा जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं जैसे क्रोकोडाइल और टर्टल में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल डिसाइड होती है जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है जो एक्ट फ्यूजन कर गया है मेल के साथ दैट इज फर्टिलाइज्ड एग उस फर्टिलाइज्ड एग को जिस हिसाब के टेम्परेचर में रखोगे ज्यादा या कम उस हिसाब से वो आगे जाकर के अपने आप को डेवलप करते हैं मेल और फीमेल में तो यहां पर मेल और फीमेल का जेंडर मेल और फीमेल का सेक्स किसने डिसाइड किया बेटा जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे थे इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं और आप खुश हो जाओ बेटा आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज एनसीआर जो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाती है वो कौन सा है बेटा वो है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन दैट मींस ये किस पे बेस्ड है दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिस इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोजोम जिस प्रकार का सेक्स क्रोमोजोम होगा उस प्रकार के उस उसकी मदद लेकर के आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो एंड मेरे बच्चों दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल बिकॉज एनसीआरटी आपको सिर्फ इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाती है अच्छा ऐसा नहीं है कि जो हम सेक्स क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं बस वही सेक्स क्रोमोसोम सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं हम सारे का सेक्स ऑर्गेनिज्मन पढ़ नहीं रहे हैं हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का ही सेक्स पढ़ेंगे और वो भी कौन सा जिनका एनसीईआरटी देती है बेटा इतने मिलियन ऑफ एनिमल्स है क्या तुम सबका पढ़ सकते हो नहीं बस तुम आइडिया लगा सकते हो कुछ कुछ का पढ़ करके अच्छा इस तरीके से हम सेक्स क्रोमोसोम का इस्तेमाल करके सेक्स डिटमिनेशन कर सकते हैं जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हम है यार ह्यूमस में तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो सेक्स

कैसे हमें पता चला कि इस प्रकार से के सेक्स क्रोमोजोम्स भी होते हैं और इन सेक्स क्रोमोजोम की मदद से हम सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं तो इसको पढ़ने के लिए चलो डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन तो इसकी जो नीव थी फाउंडेशन थी ये फाउंडेशन किसने ले किया था फाउंडेशन वॉज लेड बाय फाउंडेशन वॉज लेड बाय ठीक है इन इंसेक्ट्स किसमें ऑब्जर्व किया था बेटा इंसेक्ट्स में आई गेस इज 1891 हम चेक भी कर लेंगे बेटा जब हम एक बार स्क्रीनशॉट भी पढ़ेंगे इस ईयर के दौरान उन्होंने इस प्रकार का सेक्सपिनेशन बताया था वो भी सबसे पहले किसमें बताया था सबसे पहली बार बताया था कुछ इंसेक्ट्स में सीआरटी राइट्स फ्यू इंसेक्ट्स ठीक है क्या क्या बताया था इन्होंने इन्होंने बोला इन्होंने बोला इन इंसेक्ट्स ही ऑब्जर्वड ही ऑब्जर्वड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ही ऑब्जर्व न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस अब नाव व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जेनेसिस का मतलब बेटा क्या है फॉर्मेशन स्पर्म मतलब है तो किसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उस फिनोमिना को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं तो जब इंसेक्ट्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है दैट मीनस गेमीट की फॉर्मेशन होती है देन ही ऑब्जर्व सम ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखो क्या लिखते हैं फिर आगे दैट इन इंसेक्ट्स

है? ग्रास ऑपर ग्रास ऑपर सबने देखा होगा ये एक प्रकार का इंसेक्ट है मानते हो या नहीं बिल्कुल मानोगे इसमें आप डिटेल में भी पढ़ोगे इनमें किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जैसे हमारे पास एक्स, एक्स, और एक्स वाई टाइप का होता है इनके पास एक्स एक्स और एक्स जीरो जैसा होता है ऐसा समझ लो यहां पर ये एक्स एक्स वाले क्या है फीमेल और ये वाले क्या है बेटा मेल ठीक है यहां वाले क्या है मेल है अब ये ये वाला जो है ना बेटा ये कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है दिस इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम ठीक है तो अब जब ये वाला मेल इंसेक्ट ये क्या है बेटा मेल इंसेक्ट जब ये गेमीट बनाएगा तो इसमें उसको किसमें जाना पड़ेगा मियोसिस में मियोसिस में क्या होता है ये अलग अलग हो जाएंगे एक बनेगा एक्स टाइप ऑफ स्पर्म और एक बनेगा जीरो टाइप ऑफ स्पर्म इसका मतलब इसमें कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं गया ठीक है दैट इसमें कोई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है एक टाइप ये बन रहा है एक टाइप ये बन रहा है लेकिन इन टाइप में सिर्फ आधे स्पर्म ऐसे हैं 50 परसेंट ऑफ स्पर्म ऐसे हैं जिनके पास ये एक्स स्ट्रक्चर पहुंचा है इसी को क्या बोला गया है एनसीआरटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे 50 परसेंट

न ने सिर्फ इतना बताया लेकिन हेंकिन ये नहीं बता पाए कि यह एक्स बॉडी कुछ भी नहीं है बट एक्चुअली एक्सक्रोमोजोम है इसके लिए और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बताया गया कि दिस एक्स बॉडी इज नथिंग बट इज एक्चुअली एक्सक्रोमोजोम ठीक है तो ये बात लिख लेते हैं आफ्टर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन After investigations, investigations, doing the investigation by other scientists, by other scientists, led to conclusion that led to conclusion that X-body, X-body is actually what. इट इज एक्चुअली अ क्रोमोसोम, ठीक है एक्स बॉडी क्या है बेटा एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम है तो हमें एक एक्स क्रोमोसोम के बारे में तो पता चल गया अब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम कैसे पता चला उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट लोग लगे ठीक है तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीवेंस स्टीवेंस जी ने डिस्कवर किया डिस्कवर्ड वाई क्रोमोजोम और आज के डेट में बेटा दिस एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स आर एक्चुअली व्हाट ये क्या है बेटा दे आर एक्चुअली सेक्स क्रोमोजोम्स और यही क्रोमोजोम्स हम मदद लेते हैं इस्तेमाल करते हैं इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग प्रकार के सेक्स सेक्स्रोमोजोम्स हो सकते हैं जैसे ह्यूमंस में जो दो सेक्स सेक्स्रोमोजोम मिलते हैं जिनकी मदद लेते हैं हम वन इज एक्स एंड वन इज वाई हमारा एक्स ग्रास ऑपर में भी मौजूद है कुछ इंसेक्ट्स में भी मिलता है ठीक है तो वहां से हमें पता चला ये सब थ्योरीज के बाद कंक्लूड किया गया यस देर आर सर्टेन सेक्स क्रोमोजोम्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं सेक्स क्रोमोजोम के ठीक है जिनको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आ जाओ फटाफट तो एक एक करके सारा टाइप पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे मेल हेट्रोगेटी वाला समझने की कोशिश करना नाउ दीज आर वॉट दीज आर डिफरेंट टाइप्स देखो विल्सन एक साइंटिस्ट थे बेटा उन्होंने एक्सक्रोमोजोम के बारे में बता दिया था स्टीवेंस ने वाइक्रोमोजोम के बारे में बता दिया फिर इन्होंने सब लोग ने मिलकर के डिफरेंट टाइप्स क्या दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है आओ चलो देखते हैं तो इसको हम इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मेल हेट्रोगेटी देखो मतलब समझने की कोशिश करना मेल तो सबको आप सबको पता ही मेल का मतलब क्या होगा हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट ठीक है हेटरो मींस डिफरेंट गेमैटी का मतलब गेमीट तो इसका क्या मतलब निकल कर आएगा इन दिस टाइप इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल विल प्रोड्यूस मेल विल प्रोड्यूस बेटा मेल का सिंबल यह होता है पहले भी बताया हुआ है मेल विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट्स यहां पर मेल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिट ठीक है सच मेल आर नोन एज हेटरोगेमेटिक ऐसे मेल को हम क्या कहते हैं बेटा मेल और हेटरोगिटर्मिनेशन वाली कंडीशन को हम बोलते हैं मेल हेट्रोगी ठीक है अब ऐसा किसमें किसमें होता है मैं आपको बता देती हूं ऐसा होगा बेटा ह्यूमंस में ह्यूमंस में मेल कैसे होते हैं बेटा याद करो मेल्स होते हैं एक्स वाई है ना क्लास से पढ़ा होगा तो आप देखो यहां पर दो प्रकार का स्पर्म बनेगा एक एक्स टाइप और एक बनेगा व्हाइट टाइप ऑफ स्पर्म है ना तो हमारे मेल्स ह्यूमन मेल्स भी कैसे हो गए हेट्रोगेटिक मेल है ना तो ह्यूमन किसका हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया प्लस ग्रास होपर ग्रास हौपर का भी बताया क्या था देखो एक्स 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 जीरो यहां पर भी देखो दो अलग प्रकार के गेमिट्स बन रहे थे तो ये मेल भी कैसे थे हेट्रोगेमेटिक भी पढ़ना है आपको आगे ड्रोसोफिला का मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा बिल्कुल हमारे जैसा होता है बिल्कुल हमारे जैसा एक्स एक्स ड्रॉसोफिला में भी फीमेल थी और एक्स वाई ड्रोसोफिला में मेल थे तो देखो एक्स वाई ड्रोसोफिला में भी जब स्पर्म्स बनेगा तो दो टाइप का बनेगा तो ड्रोसोफिला भी कैसे हो गए हेट्रोगेटिक मेल कंडीशन ठीक है अगर यहां पर मेल हेट्रोगेटिक है बेटा अगर यहां पर मेल हेट्रोगेटिक है तो इसका मतलब ऑब्वियस होगा कि फीमेल क्या है होमोगेमेटिक दैट मीनस फीमेल तो बेटा एक ही टाइप का गेमिट बनाने वाली है ठीक है अब इन्हीं चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए हम मेल हेट्रोगेमेटिक एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला मेल हेट्रोगेटिक एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है मेल हेट्रोगेटिक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स एक्स सॉरी अगर मैं इसको छोटे वर्ड में बताऊं तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सओ टाइप तो यहाँ पर आप सोचोगे कि मैम पूरा पूरा क्यों नहीं लिखा है सिर्फ एक्सओ टाइप क्यों लिखा हुआ है क्योंकि बेटा हम मेल हेट्रोगेटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ मेल से है दैट मीन्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो मेल लिखा हुआ है क्योंकि हमें हेट्रोगेमेटिक पढ़ रहे हैं मेल हेट्रोगेमेटिक पढ़ रहे हैं तो ये मेल है और आप देख सकते हो यहां पर दो टाइप बनेगा मेल का गेमीट और दोनों अलग अलग है ना तो मेल यहां पर क्या है हेट्रोगेमेटिक और फीमेल यहां पर क्या होगी बट ऑब्वियस है होमोगेमेटिक होमोगेमेटिक अब एक और चीज समझना एक्सो टाइप तो छोटा एब्रिवेटेड वर्जन था अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूं तो हम इसको बोलते हैं एक्स एक्स एक्सोटाइप अगर मेरे बच्चों मैं इसको आपको मेल हेट्रोगेटिक कंडीशन में पढ़ा रही हूं तो इनमें से इनमें से इन दोनों में से सोचो मेल कौन है जल्दी से सोचो टाइम दिया जा रहा है मेल कौन है यस कौन होगा मेल वेरी गुड मुझे पता है मेरे बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा होगा क्योंकि मैम आप ही ने तो कहा ये हेट्रोकेमेटिक वाले मेल हेट्रोग एग्जाम्पल है तो यहां पर तो यही हमें मेल नजर आ रहा है और ये क्या होगी फीमेल तो लिख लो मेल कौन है यहां पर जो डिफरेंट गेमिट्स प्रोड्यूस करेगा एक्स ओ वाला ठीक है और फीमेल यहां पर क्या होंगे बेटा एक्स एक्स वाले है ना तो आप देख सकते हो फीमेल के पास सेम सेम सेक्स क्रोमोजोम है तो सेम टाइप ऑफ गेमीट बनेगा यहां पर डिफरेंट है तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट बनेगा ठीक है क्लियर हो गया सबको ओके वेरी गुड अब हम देखते हैं कि कैसे आ, ये सेक्स क्रोमोजोम्स विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंसेक्ट्स और एक चीज एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा ये जो इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहां पर दिखाई देता है इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन इज लार्जली सीन इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ज्यादातर इंसेक्ट्स में इस प्रकार सेक्स को डिटरमाइन आप करते हो फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट हमने पढ़ भी लिया ग्रास होपर तो लेट्स सी हाउ ग्रास ऑपर इन ग्रास ऑपर द सेक्स इज डिटर अच्छा एक और चीज इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा देना चाहती हूं क्या है वो इंपॉर्टेंट बात सुनना मैं अपना एग्जाम्पल लेकर के अपना मतलब ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेकर के आपको वो चीज एक्सप्लेन करती हूं ह्यूमंस का तो आपको क्लियर होगा थोड़ा अब ह्यूमंस में हमारे पास अगर मैं बोलूं ऑटोजोम्स कितने हैं तो हमारे पास 44 होते हैं और अगर मैं बोलूं सेक्स क्रोमोजोम कितने हैं सेक्स क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम का दूसरा नाम एलोजोम्स होता है बेटा एलोजोम्स होता है या तुम इसको ईडियोजोम्स बोलते हो ठीक है या तुम इसको हेटेरोजोम्स बोलते हो बड़े सारे नाम होते हैं इनके ठीक है तो एलोजोम्स कितने हो सकते हैं दो तो 44 प्लस दो ह्यूमंस के पास जो क्रोमोजोम आता है वो 46 बट क्या ये 46 अकेले होते हैं नहीं क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं ये 46 सिक्स में मौजूद होते हैं तभी हमें बचपन से याद कराया जाता है 23 सेट्स या 23 थ्री पेयर्स ऑफ भी है ठीक है अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं ह्यूमन मेल की बात करूं तो उनके पास फोर्टी फोर ऑटोजोम्स एज इट इज होंगे बट जो दो सेक्स क्रोमोजोम होंगे क्या वो सेम सेम वाले होते नहीं वो डिफरेंट वाले होते एक्स और एक वाई ठीक है और जो ह्यूमन फीमेल होगी उसके पास 44 फोर आटो, ऑटोजोम्स तो होंगे बट हम उसको साथ ही साथ क्या लिखते हैं बेटा हम लिखते हैं एक्स और एक्स ठीक है आपको मैंने ड्रोसोफिला में भी बताया था बेटा कि जो फीमेल्स होती हैं उनके पास सेम सेम होता है और जो मेल्स होते हैं उनके पास एक्स वाई होता है बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ऑटोजोम का नंबर उनमें अलग होता है ठीक है छह ऑटोजोम्स होते हैं उनके पास और दो सेक्स्रोमोजोम्स होते हैं यहां पर टोटल फोर्टी फोर ऑटोजोम्स ऑटोजोम का नंबर वहां वेरी करता है अदरवाइज हमारे में भी एक्सेक्स उनमें भी एक्स एक्स फीमेल बन जाता है हमारे में एक्स वाई और उनके में एक्स वाई मेल बनाता है ठीक है और एक चीज मैं बता देती हूं ऐसे मेल को ठीक है ऐसे इंडिविजुअल को जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स्रोमोजोम होता है याद करो क्या कहते थे हेटरोमफिक ड्रोसोफिला में बताया था ना और जहां पर सेम सेम सेक्सरोमोजोम होता है वहां पर हम क्या कहते हैं होमोमोर्फिक क्या कहते हैं बेटा होमोमोर्फिक तो ये 44 है क्या बेटा 44 तो ऑटोजोम्स ही है ना क्या है ऑटोजोम्स में है हम इस 44 को ना लिख करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं देखो ह्यूमंस ह्यूमन मेल अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती 22 टू ऑफ ऑटोजोम क्योंकि वो 44 जो है बेटा अलग अलग थोड़ी वो पेयर में है प्लस एक्स वाई या मैं फीमेल कैसे लिख सकती हूं ट्वेंटी टू सेक्ट ऑफ ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स लिख सकती हूं ना या मैं ऐसे भी लिख सकती हूं बेटा ए ए प्लस एक्स वाई अगर ऐसा लिखा हो तो मेल और ए ए प्लस एक्स एक्स ऐसा लिखा हो तो फीमेल ठीक है तो जरूरी नहीं है बार बार यहां पर आपको ऑटोजोम का नंबर लिखा रहे चौवालीस ए ए भी लिख सकते हैं तो ये ए ए है क्या बेटा ये है उटो -जों। उटो -जों का पेयर ठीक है या आप कह सकते हो ऑटोजोम के सेक्स और आपको ऑलरेडी पता है कितने सेट्स होते हैं ट्वेंटी टू सेट्स या ट्वेंटी टू पेयर तो चाहे आप ऐसे लिख लो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का जीरो चाहे ऐसे लिख लो फीमेल में चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो और एक और तरीका मैंने बताया चाहे ऐसे लिख लो मेल का चाहे ऐसे लिख लो फीमेल का तो देर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ए ए क्या दिखाता है ऑटोजोम्स दिखाता है ठीक है अब ये बताना क्यों जरूरी था क्योंकि हम एक्सो टाइप में वैसा कुछ पढ़ने वाले हैं ओके okay. ये तो हो गया अब देखो एक्सो टाइप में एक्सो टाइप में अगर मैं मेल ग्रास ऑपर है ये दिस इज मेल ग्रास ऑपर एंड दिस इज फीमेल ग्रास होपर तो बेटा ऑटोजोम तो सारे ऑर्गेनिज्म के पास होगा चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो तो इनके पास भी ऑटोजोम्स होंगे अब ग्रास ऑपर भी डिप्लॉयड होते हैं तो वहां पे भी ऑटोजोम्स का जोड़ा होगा सेट्स होंगे यहां पे भी ऑटोजोम्स का सेट होगा ठीक है ऑटोजोम वैसा ही होता है डिफरेंस कहां आता है सेक्स सेक्सरोमोजोम में आता है क्योंकि यहां पर मेल हेट्रोगेटिक है तो एक्स जीरो कर दोगे यहां पर फीमेल होमोगेटिक है एक्स एक्स कर दोगे दैट मीनस यहां पे भी सेम सेम तो ये होमोमोर्फिक कंडीशन हो गई बार बार बताने की जरूरत नहीं बेटा आपको याद होना चाहिए यहां पर एक्स जीरो तो आप हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन कह सकते हो या हेट्रोगमेटिक कंडीशन कह सकते हो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है अगर पूछा जाए होमोमोर्फिक कंडीशन बताओ तो बोलोगे सेम सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है अगर आप बोलोगे हेट्रोग्रमेटिक कंडीशन बताओ तो आप बोलोगे डिफरेंट गेमी है अगर आपसे पूछा जाए हेट्रोमॉर्फिक बताओ डिफरेंट सेक्सक्रोमोजोम है ठीक है ओके नेक्स्ट होमोमोर्फिक की स्पेलिंग गलत हो गई है okay, होमोमोर्फिक बनेगा गेमीट कब बनेगा मियोसिस के बाद यहां से भी गेमीट बनेगा कब बनेगा मियोसिस के बाद तभी तो बनेगा बेटा अब ग्रासोपर जब स्पर्म बनाएगा ये स्पर्म है ठीक है तो दो टाइप के स्पर्म बनेंगे बेटा तो देख लो कौन सा दो टाइप बनेगा एक एक्स टाइप बनेगा अब आपको पता है मियोसिस में जोड़ा तो जाता नहीं तो एक ऑटोजोम का सेट यहां पहुंच जाएगा एक ऑटोजोम का सेट यहां पहुंच जाएगा प्लस और क्या पहुंचेगा एक स्पर्म के पास ये वाला एक्स उठ करके आ जाएगा दूसरे स्पर्म के पास ये वाला उठ करके आ जाएगा ठीक है जिसमें कोई सेक्स फ्रोमोजोम है नहीं यहां पर क्योंकि होमोमोर्फिक है ना बेटा होमोमोर्फिक है या आप कह सकते हो हेट्रो होमोगेमेटिक है होमो मतलब सेम गेमीट्स मिलेंगे तो यहां से जो ओवा आएगी आप खुद बताओ एक ही टाइप की आएगी मैं नंबर से कंसर्न नहीं हूं अगर नंबर बनाऊ तो देखो ऐसे होगा ए ए दोनों में चला जाएगा प्लस एक्स प्लस एक्स तो टाइप अलग हुआ क्या बेटा टाइप तो अलग नहीं हुआ है ना हम टाइप पे फोकस रखते हैं चाहो तो आप दो जगह लिख सकते हो तो हमने इधर से भी गेमीट्स बना लिया इधर से भी गेमीट्स बना लिया अब ये देखो ये देखो यहां पर हमने गेमीट्स लिख लिए ये मेल के गेमीट्स हैं ये फीमेल के गेमीट्स हैं ये ओवा है और ये क्या है बेटा स्पर्म ओवा और स्पर्म का फ्यूजन करा दो ठीक है इनका इनका फ्यूजन कराओगे ए प्लस एक्स एक्स इनका इनका फ्यूजन कराओगे ए प्लस एक्स एक्स इनका इनका कराओगे ए प्लस एक्स तो एक्स एक्स आ गया तो फीमेल एक्स ओ आ गया मेल एक्स एक्स आ गया फीमेल एक्स ओ आ गया मेल तो फिफ्टी परसेंट मेल आने के चांसेस हैं और फिफ्टी परसेंट फीमेल आने के चांसेस है कुछ भी आ सकता है डिपेंड करता है बेटा कौन सा स्पर्म और कौन से ओवा का फ्यूजन होने वाला है ठीक है तो, तो आप देख सकते हो ये इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ग्रास ओपर में या और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स में अच्छा एक और चीज यहां पर हम कह रहे हैं ये कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं है और फीमेल्स में हम कह रहे हैं कि ये भी सेक्स क्रोमोजोम ये भी सेक्स क्रोमोजोम दैट मीन्स ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा मेल और फीमेल में वो वेरी करेगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन मेल एंड फीमेल विल वेरी क्यों वेरी करेगा मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं मान लो यहां ऑटोजोम्स 44 है ठीक है प्लस अगर मैं एक्स एक्स करती हूं तो बन जाएगा मेरा 46 नंबर है ना और अगर मैं ऑटोजोम 44 है प्लस एक्स जीरो कर रही हूं ये तो कोई सेक्स क्रोमोजोम है नहीं तो कितना बन रहा है 45 तो यहां पर ऐसे केसेस में मेल और फीमेल के जो क्रोमोजोम नंबर है वो वेरी करते हैं क्लियर हो गया तो ये हो गया हमारा पहला टाइप मेल का दूसरा टाइप बड़ा ही ईजी है दूसरा टाइप बड़ा ही ईजी है कौन सा है बेटा वो दैट इज सेकेंड टाइप मेल हेट्रोगेमेटी में ही एक्स वाई टाइप होता है अब वाई टाइप आपको देख करके समझ में आ गया होगा यहां पर एक्स वाई किसके लिए लिखा हुआ है मेल के लिए क्योंकि हम अभी सारा मेल हेट्रोगेमेटी में ही पढ़ रहे हैं ठीक है अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो ये बनेगा एक्स 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 वाई टाइप आप खुद से सोचो बेटा इसमें से कौन मेल कौन फीमेल जो हेट्रोगेटिक है ये वाला वो बन जाता है मेल और जो सेम है वो बन जाती है फीमेल ठीक है तो फीमेल क्या हो गई होमोगेमेटिक होमोगेमेटिक ठीक है एक्स एक्स अब मैं आपको कभी कभार डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं तो हेट्रोगेमेटिक का तो मैंने डेफिनेशन लिखवा रखा है इट गोइंग टू प्रोड्यूस ऐसे लिखना इट विल प्रोड्यूस different type of gametes different type of gametes और जब females को हम homogametic कहते हैं बेटा that means they will produce same type of gametes ठीक है अब होगा क्या आपको humans का तो पता ही है मान लो ये human male है और ये human female है ठीक है यहां पर 44 फोर ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई यहां पर 44 फोर प्लस एक्स एक्स तो कौन डिफरेंट टाइप बनाएगा ये यहां से दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं बेटा एक बनेगा 22 टू प्लस एक्स और एक बनेगा बेटा 22 टू प्लस वाई है ना अब यहां पर भी बेटा क्या बनेगा मियोसिस के बाद नंबर दो बना रही हूं बट टाइप एक ही होगा ट्वेंटी टू प्लस एक्स अरे फ्लैजला क्यों दिखा दिया ओवा तो मोटाइल होती ओटाइल थोड़ी होती है ओवा ट्वेंटी टू प्लस एक्स ठीक है आप देखो सेम टाइप है, है ना और बनने की भी सेम टाइप क्योंकि फीमेल्स सेम सेक्स क्रोमोजोम रख रहे हैं क्योंकि फीमेल्स क्या है बेटा होमोमोर्फिक 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 का चाहो तो भी डेफिनेशन लिख सकते हो दे हैव सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसो मैं सबका मतलब लिखवा दे रही हूं बेटा अब आपके नंबर आने चाहिए बोर्ड्स में ठीक है अब गेमीज बना दिया क्रॉस करा लो ये देखो स्पर्म बना दिया है ट्वेंटी टू प्लस वाई और यहां पे भी ट्वेंटी टू प्लस एक्स ये क्या है बेटा ओवा ठीक है गेमीट्स का फ्यूजन करा दो ये स्पर्म इस ओवा से फ्यूज करेगा 44 फोर प्लस ये स्पर्म इस ओवा से फ्यूज करेगा 44 फोर प्लस ये स्पर्म इस ओवा से फ्यूज करेगा 44 फोर प्लस ये स्पर्म इस ओवा से फ्यूज करेगा 44 फोर प्लस है ना अगर XY आ गया तो बेटा मेल XX आ गया तो बेटा फीमेल XY आ गया तो फी ओ नो एक्स मेल एक्स फीमेल तो भैया लड़के और लड़की आने के कितने चांसेस हैं 50 परसेंट बेटा चांस है कि फीमेल आ सकती है और 50 परसेंट चांस है कि मेल आ सकते हैं है ना इसमें किसी का दोष है बेटा नहीं हमारे इंडियन सोसाइटी में ये ऐसा माना जाता है क्योंकि फीम भगवान ने फीमेल्स को बनाया है फीमेल्स की बॉडी के अंदर बच्चा डेवलप होता है तो सबको लगता है फीमेल का ही दोष है फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ गर्ल चाइल्ड ये सोच बदलनी चाहिए बेटा, आप, ही बदल सकते क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसके पीछे genetics involved है। इसके पीछे जस्ट अ चांस फैक्टर ठीक है और लड़कियों का तो दोष ही नहीं है क्यों फीमेल्स तो बेटा भगवान ने उनको एक्स एक्स टाइप ही बनाया है फीमेल का सेक्स डिटरमाइन नहीं करता फीमेल डिटरमाइन नहीं कर सकती सेक्स बच्चे का क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकती क्योंकि फीमेल होमोगेमेटिक है जहां पर जो हैट्रोगेटिक होता है ना बेटा वो डिटरमाइन करता है सेक्स और हमारे में हेट्रोगेटिक कौन है हमारे में हेट्रोगेटिक मेल्स हैं तो मेल्स डिटरमाइन करते हैं सेक्स कि लड़का आएगा या लड़की आएगी बट ऐसा नहीं कि उनका दोष है ब्लेम तो किसी का नहीं हो सकता क्योंकि बेटा ये सब तो चांस फैक्टर है अगर ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज कर गया वाई वाला स्पर्म अगर ओवा से फ्यूज करेगा तभी लड़का आ सकता है और अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर गया चाहे इससे चाहे इससे तो फीमेल ही आएगी तो दैट तो इज जैसा चांस फैक्टर बेटा अंदर क्या होने वाला है किसका किसके साथ फ्यूजन होने वाला है इसमें नो बड़ी शुड बी ब्लेम्ड है ना तो हमारे जो पुराने जमाने की सोच है जनरली दादी अब तो दादी लोग भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं बेटा और भी बहुत पुराने चले जाओ ऐसे जहां पर जो बहुत गाँव टाइप का एरिया है वहां पर जहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है वहां पर पहुंचने की जरूरत है इस चीज को ठीक है कि फीमेल्स आर नॉट सपोज टू डिटरमाइन सेक्स। अगर देट्रोगेटिक कंडीशन है तो जहां पर हेट्रोगेटिक कंडीशन होगी बेटा जैसे इनके के हमारे केस में मेल्स हेट्रोगेटिक है ग्रास हॉपर्स में भी मेल हेट्रोगेटिक है तो इन मेल हेट्रोगेटिक कंडीशन में लिखवा देती हूं बेटा इन मेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन मेल डिटरमाइन द सेक्स मेल डिटरमाइन द सेक्स क्योंकि भगवान उनको दो टाइप ऑफ गेमीज बनाने का मौका दे रहे हैं फीमेल्स तो बेचारी एक ही बना सकती है इनमें इनका कोई कसूर नहीं है ठीक है यस yes. आप एनसीआर टी की एक लाइन रीड कराते हैं, देखो यहाँ पर एक बच्चा भी लेकर मतलब आपको ऐसे दिखेगा ये पापा फोर्टी फोर प्लस एक्स ये मम्मी फोर्टी फोर प्लस एक्स शादी हो गई बच्चे आएंगे है ना तो आप देखो यहाँ से स्पर्म बना ठीक है और यहां से इसको गाइनी स्पर्म क्यों कह रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर एक्स है और जहां पर जनरली एक्स इज सपोज टू बी अ फीमेल सॉर्ट ऑफ क्रोमोजोम ऐसा कहते हैं तो फीमेल से एक वर्ड जुड़ जाता है गाइनी ठीक है गाइनोशियम याद करो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है और जहां पर वाई वाला पार्ट पहुंचता है वाई वाला वाई क्रोमोजोम उसको एंड्रो स्पर्म कहते हैं स्पर्म तो दोनों ही है जहां पर एक्स वाला पहुंचा गाइनी जहां पर वाई वाला पहुंचा एंड्रो एंड्रोशियम से रिलेट करो मेल वाला था अब यहां तो बेचारा एक ही टाइप का बनता है ट्वेंटी टू प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स जो जिससे फ्यूज कर गया ये स्पर्म इस इससे से फ्यूज कर गया लड़का आ जाएगा बेबी बॉय सब खुश ठीक है और अगर ये वाला ये वाला गायनी स्पर्म अगर किसी एक से फ्यूज कर जाए तो बन जाएगी बेबी गर्ल सब निराश प्ले विल स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम गेम है ना तो इसीलिए एनसीआरटी ने ऐसे लोगों के लिए ऐसी सोच रखने वालों के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है नाउ लेट्स हैव अ रीडिंग वॉट इट इज देयर इट हेज ऑलरेडी बीन मेन्शन दैट सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज एक्स वाई टाइप बिल्कुल मेल हेट्रोगीटिक मतलब होती है आउट ऑफ ट्वेंटी बताया ना वो क्या होते हैं ऑटोजोम्स जो कि दोनों में सेम है फोर्टी फोर फोर्टी फोर महीने में भी होगा और बाकी किसी मेल में भी होगा डिफरेंस कहा होता है बेटा सेक्स क्रोमोजोम में आता है मेल uh, में एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म जब बनता है मेल्स में टू टाइप्स ऑफ आर प्रोड्यूस्ड एक एक्स टाइप एक वाई टाइप 50% परसेंट ऑफ दोटल स्पर्म प्रोड्यूस्ड कैरी एक्स द्रोमोजोम 50 एक्स टाइप वाले बनते हैं और रेस्ट 50% परसेंट वाई टाइप वाले बनते हैं फीमेल्स हाउ एवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम क्योंकि वो एक्स एक्स है तो एक ही टाइप बनेगा ठीक है िटी ऑफ दर्टिलाईजेशन ये वाई वाला स्पर्म एक्स के साथ भी फ्यूज कर सकता है सो देर इजल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ दी स्पर्म कैरिंग so, चाहे वो एक्स वाला हो चाहे वाई वाला हो इनकेस दी ओवम फर्टिलाइज विदर्म कैरिंग एक्स रोमोजोम दिन टू एक्स एक्स देखो तो बेटा एक्स ही है अगर ये वाई वाले से फ्यूज करती है तो एक्स वाई बन जाएगा, जाएगा। And the of वाई अगर अच्छा, एक्स ओवा ऐसे एक के साथ फ्यूज कर रही है जिसके पास एक्स टाइप ऑफ स्पर्म है तो जाएगॉट क्या बन जाएगा एक्स एक्स टाइप अगर एक्स ओवा वाई वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर रही है तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन एक्स वाई ठीक है आप क्या लिखा हुआ है और ऐसी फर्टिलाइजेशन विद क्रोमोजोम रिजल्ट्स इनटू अ मेल अस्प्रिंग ऐसा होगा ऐसा होगा तो मेल बनेगा ऐसा होगा तो फीमेल बनेगा इट इज एविडेंट दैट इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ये कौन डिसाइड कर रहा है मेल का जेनेटिक मेकअप ठीक है दैट मीन्स मेल इज डिसाइडिंग दी ऑफ दी स्प्रिंग ठीक है इट इज एविडेंट इन दैट ईच प्रेगनेंसी इच प्रेगने परसेंट प्रोबेबिलिटी की वो मेल चाइल्ड हो 50% परसेंट प्रोबेबिलिटी फीमेल चाइल्ड की है बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी बेटा हमेशा औरतों को ही ब्लेम किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग दी फीमेल चाइल्ड मेल को तो भूल ही जाते हैं बेटा बच्चा बिना मेल के तो बनेगा नहीं है ना तुम तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो तो ब्लेम्ड एक्चुअली है बट येस सा yes, हमारे भाषा में भाषा में तो ये कहा गया है कि मेल दे दी सेक्स ऑफ दिंग बिकॉज मेल यहां पर दो टाइप्स के बनते हैं एक पर एक ठीक है तो लोगों को जागरूक करो इस चीज के बारे में तुम ही कर सकते हो तुम ही हमारी आगे वाली जनरेशन हो तुम तो जितना जागरूक बनाओगे उतना बेटर होगा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल ठीक है एक हमने पढ़ा मेल मेल में हमने दो कंडीशन पढ़े ग्रास में भी मेल हेट्रोगेटिक था हमारे में भी मेल हेट्रोगेटिक था अब उल्टा है अब उल्टा का मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल हेट्रोगेटिक नाम से पता चल रहा होगा दैट इन दिस केस फीमेल्स विल प्रोड्यूस फीमेल्स विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमीट उल्टा हो गया ठीक है और अब फीमेल्स विल डिटरमाइन जो हैोगेमेटिक होता है वही डिटरमाइन करता है बेटा याद रखना फीमेल्स विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दी ऑफ स्प्रिंग सेक्स ऑफ दी ऑफ स्प्रिंग ठीक है और इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा बर्ड्स में साइड में बना हुआ है देख सकते हो चित्र इसमें आपको एक ही टाइप पढ़ना है जेड टाइप तो जेड डब्ल्यू टाइप कौन है बेटा यहां पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक है ना तो फीमेल यहां पर क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक है तो जाहिर सी बात है बेटा यहां पर मेल क्या होंगे बेचारे होमोगेमेटिक मेल का काम क्या है एक ही टाइप का गैमिट बनाना तो आप देख सकते हो जेड डब्ल्यू फीमेल होगी इसका मतलब और जेड जेड क्या होगा मेल होगा है ना या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मे, फीमेल को हम कैसे लिखेंगे ए ए प्लस जेड डब्ल्यू और मेल को हम कैसे लिखेंगे ए ए प्लस जेड जेड ऐसी तो लिखेंगे है ना और आप देख सकते हो यहां पर बना भी हुआ है ये मेल बर्ड ये फीमेल बर्ड फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम जेड डब्ल्यू होता है मेल मुर्गे का ठीक है क्या होगा जेड जेड होगा मुर्गा है या मुर्गी है सी ठीक है तो मेल बर्ड क्या हो जाएगा आप देख सकते हो ए प्लस जेड जेड फीमेल बर्ड क्या हो जाएगी ए ए प्लस जेड डब्ल्यू यहां से एक ही टाइप ऑफ स्पर्म है दो बार भले लिखा हुआ है बट टाइप एक ही है तो एक टाइप ऑफ स्पर्म क्या बन रहा है एक टाइप ऑफ स्पर्म क्या बन रहा है ए प्लस जेड दूसरा टाइप ऑफ स्पर्म क्या बन रहा है ए प्लस जेड टाइप तो सेम ही है टाइप यहाँ पर अलग होगा क्योंकि फीमेल हेट्रोगेटिक होती है तो यहां पर क्या बना ओवा एक ए प्लस डब्ल्यू और एक बना ए प्लस जेड अब ये इनके साथ फ्यूज कर जाएं देखो यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर भी देख रहे हो बेटा जहां पर जेड जेड आ रहा है वो बन जाएंगे मेल क्योंकि यहां पर मेल होमोगेटिक होते हैं जहां पर जेड डब्ल्यू आ रहा है वो बन जाएंगे फीमेल आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कहां परमेटिकट्रोगटिक है कहां पर होमोगेमेटिक है तो यहां पर भी देख सकते हो बेटा मेल आने के फिफ्टी परसेंट चांसेज है और फीमेल आने के फिफ्टी परसेंट चांसेस है ठीक है बट यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो हैट्रोगेमेटिक और है। हेट्रोगेटिक कौन होती है फीमेल ठीक है तो ये चित्र देखना किसमें पूंछ है किसमें नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें पूछ बनी होगी ना ऐसे फेदर्स होंगे वो मेल है जिसमें नहीं होगा वो फीमेल है या सर के ऊपर भी डिफरेंस आप देख सकते हो बिकॉज कभी कभार चित्र दे देते हैं बताओ मुर्गा है या मुर्गी है ठीक है और क्रोमोजोम थोड़ी देंगे सिर्फ तो चित्र देंगे क्रोमोजोम दे देंगे तो आप पहचान ही जाओगे कि जो डिफरेंट है वो फीमेल है जो सेम सेम वाले हैं वो मेल है ठीक है ये हो गया हमारा बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन अब हम पढ़ेंगे बेटा हनी बी में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बी में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बड़ा ही अलग सेक्स डर्मिनेशन दिखाई देता है बेटा इनका सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के बेसिस पर नहीं है अलग ही तरीक तरीका है लेट्स सी ओके सो हनी बी में हाउट इज डिफरेंट फ्रॉम दी यूजुअल क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्योंकि बेटा यहाँ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम का इस्तेमाल हम करते नहीं होता क्या है इनमें बड़ा ही यूनिक तरीका होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का जैसे मैंने आपको बताया और उस कंडीशन को हैप्लो डिप्लॉयडी कहते हैं क्या कहते हैं बेटा हैप्लो डिप्लॉयडी ना वट इज दिस का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा और डिप्लॉयडी आपको पता है डिप्लॉयड कंडीशन मेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं बेटा और फीमेल्स हमेशा क्या होती है डिप्लॉयड तो यहां पर और डिप्लॉयड कंडीशन डिटरमाइन करती है कि हनी बी वुड बी अ मेल या इट वुड बी अ फीमेल ऐसा कैसे देखो हनी बी में जो टू एंड कंडीशन होती है दैट इज बत्तीस इनके पास बत्तीस क्रोमोसोम होता है बट ये जो बत्तीस क्रोमोसोम लिखा है मैंने बेटा ये डिप्लॉयड कंडीशन लिखी है दैट मीन जाहिर से बात है ये हनी बी क्या होगी ये हनी बी फीमेल होगी अब you know, चाहे मेल हो चाहे फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो क्या बनाना पड़ेगा गेमिट्स बनाना पड़ेगा सो so, अगर ये फीमेल गेमीट बनाती है तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगी मियोसिस के थ्रू और मियोसिस के बाद एग बनेगा और एग क्या कैसा होगा एग होगा सोला क्योंकि मियोसिस रिजल्ट इन हेप्लॉइड कंडीशन अब ये जो है, एग बना है जिसके पास सोलह क्रोमोसोम है अब ये डिसाइड करेगा कि इसको किसमें कन्वर्ट होना है जैसे कि अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया नहीं पहले लेते हैं कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ नो फर्टिलाइजेशन नो फर्टिलाइजेशन नो फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस एग यहां पर कोई स्पर्म नहीं आ रहा बेटा इस एग से फ्यूज करने दैट मीनस इस एग का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा दिस unfertilized एग दिस unfertilized एग unfertilized एग पार्थिनोजेनेटिकली पार्थिनोजेनेटिकली पढ़ा हुआ है बेटा पार्थिनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है एग जब बिना फर्टिलाइजेशन के आगे डेवलपमेंट शो कर जाए ठीक है ये मैंने आपको एपोमिक्सिस के दौरान भी पढ़ाया था दिस अनफर्टिलाइज एग पार्थिनोजेनेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इंटू गेट्स कन्वर्टेड इंटू इंटू मेल हनी बी इंटू मेल हनी बी और उस मेल हनी बी को बोलते क्या है दे आर नोन एज ड्रोन्स क्या बोल रहे हैं बेटा ड्रोन्स अब आप खुद देखो बेटा ध्यान से ये जो ड्रोन्स बना ये जो मेल हनी बी बन रहा है क्या इसमें कोई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं ये सीधा का सीधा इस एग से बन गया अगर एग 16 था था तो जाहिर सी बात है ये ड्रोन भी क्या होगा हेप्लॉइड और अगर है तो इसका क्रोमोजोम नंबर क्या होगा सोलह ठीक है तो आप खुद देख सकते हो जब जब मेल्स बनेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू बनेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे और जब जब इस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे हमेशा

और इसका कितना होगा सोलह ही होगा अब आप सोचो कि मैम स्पर्म कैसे बन रहा है बेटा ये मेल है ना ठीक है ये मेल स्पर्म तो बना सकता है ना अगर फर्टाइल है दे आर गोइंग टू फॉर्म स्पर्म बट क्या अब इस स्पर्म या गैमिट बनाने के लिए म्योसिस चलेगी नहीं जब ये खुद हैप्लॉइड है तो याद करो मैंने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो बच्चे कहते थे क्यों पढ़ा रहे हो वेस्ट कर रहे हो हमारा मैंने कहा था ना नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती बार, बार आपको वो चीज़ याद ठीक है वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था उस चैप्टर में कि अगर किसी माइट ऑर्गेनिज्म को गेमीट बनाना है क्योंकि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इसको गेमीट बनाना है तो हमेशा माइटोसिस के थ्रू बनाता है दे फॉर्म स्पर्म विद दी हेल्प ऑफ माइटोसिस ठीक है और अगर इनका स्पर्म माइटोसिस से बन रहा है तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, तो 16 का 16 ही रहेगा इसीलिए स्पर्म 16 वाला आ रहा है तो अगर ये एग ये वाला एग फ्यूजेज विद स्पर्म, फ्यूजेज विद स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन हो गई ठीक है नाउ दिस फर्टिलाइज्ड एग नाउ दिस फर्टिलाइज एग फॉर्म जायगॉट तो जाएगाट की प्रोडी क्या हो जाएगी बेटा बत्तीस ठीक है ये एन ये एन क्यूज कर गए अब क्या होगा ये जायगॉट डेवलप करेगा डेवलप इन टू ऑफ स्प्रिंग धीरे तो धीरे बड़ा होगा अगर अब ऑफ स्प्रिंग को तुम ये जो बच्चा डेवलप हो रहा है इसको फीड कराओगे फीड बच्चों को तो खिलाना पड़ता है ना बेटा बड़ा करने के लिए अगर ये रॉयल जेली खाएगी ठीक है रॉयल जेली खाएगी तो रॉयल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा क्वीन में और अगर इस बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए ना दिया जाए इनको रॉयल जेली खाने के लिए इनको सिर्फ सौतेला व्यवहार करके इनको खिलाया जाए बी ब्रेड्स जो चारा आता है इनका तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा वर्कर बी में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा वर्कर बी में ठीक है क्योंकि क्वीन हो क्वीन तो वैसे रानी होती है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये इसका जेंडर फीमेल होगा और तुम सोचोगे वर्कर बी क्या होंगी देखो वर्कर बी हो चाहे क्वीन हो ये किसका रिजल्ट है बेटा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है और फर्टिलाइजेशन से आपको मिल जाएगी कंडीशन और कंडीशन जेंडर का देता है फीमेल तो क्वीन भी फीमेल है और वर्कर भी भी फीमेल है डिफरेंस क्या है क्योंकि तुमने इसको रॉयल जेली चटाया है रॉयल जेली खिलाई है रॉयल जेली के अंदर कुछ ऐसे गाइजेनिक हार्मोन होते हैं जो इसको फर्टाइल बना देंगे ठीक है और ये फीमेल तो होगी बट ये फीमेल कैसी होगी बेटा स्टराइल ठीक है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है ये भी डिप्लॉयड होगी ये भी डिप्लॉयड होगी तो क्वीन और वर्कर भी दोनों डिप्लॉयड क्वीन और वर्कर भी दोनों हमारी फीमेल बस डिफरेंस ये है कि ये बेटा फर्टाइल होती है ये स्टराइल होती है और आपको पता है रानी तो बेटा एक ही होती है मधुमक्खियों की इतना बड़ा जो झुंड है उस छत्ते में एक रानी है अब रानी मर गई मर जाती है तो मर जाएंगे तो क्या होगा तो कोई ना कोई एक वर्कर भी उनके ग्राज राज गद्दी को संभालता है उनको रॉयल जटी चटा दिया जाता है बेटा खिला दिया जाता है फिर उनमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो उनको सिराइल से फर्टाइल बना देते हैं इनका इंटरेस्टिंग होता है बहुत एपीकल्चर जब आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में तो शायद जब आपको आगे जाकर के क्योंकि हमने पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन में बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा इनका उसी टाइम पर आपको ये सब और जानने को मिलेगा बट अभी तो सिर्फ इतना ही जानना है कि इनका सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है तो इनका सेक्स डिटरमाइन डिटरमाइन कैसे होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल और फर्टिलाइज नहीं किए नॉर्मली डेवलप हो गए तो मेल ठीक है अब आओ मैं आपके इसके NCRT भी रीड करा देती ये यह देखो। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी में इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव और इसी नंबर ऑफ सेट को हम क्या बोलते हैं अगर दो सेट हो तो डिप्लॉयड एक सेट हो तो हैप्लॉयड दैट मींस यहां पर और डिप्लोइड कंडीशन डिसाइड करती है uh, मधुमक्खी में, में मेल होगा या फीमेल होगा ठीक है एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन यूनियन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स इनटू अ फीमेल चाहे क्वीन चाहे वर्कर अभी जस्ट मैंने यही कहा था कि जो बंदे जो मधुमक्खी फ्यूजन से बनेगी फर्टिलाइजेशन से बनेगी वो फीमेल होगी चाहे वो वर्कर भी हो चाहे वो क्वीन हो ये दोनों है फीमेल ही बस डिफरेंस क्या होता है क्वीन क्योंकि रॉयल जेली खाई है तो फर्टाइल होती है वर्कर बी के साथ तुमने साथला व्यवहार किया था तो वो स्टराइल है और क्या होता है और कोई जो अनफर्टिलाइज होता है बेटा वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज ड्रोन और उस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनो Partheno मतलब वर्जिन जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन तो वर्जिन वर्ड क्यों बोला गया है पढ़ाया हुआ है मैंने क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है आगे देखो दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन दैट टोटल फीमेल यस फीमेल अगर बत्तीस होती है बेटा तो मेल क्या होते हैं अपलॉयड तो सोलह ही होंगे बिल्कुल सही कहा है फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं, जिनके पास बत्तीस क्रोमोसोम्स होता है मेल है ठीक है आगे देखो और ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सच एज द मेल प्रोड्यूस फॉर्म ये भी नोट्स में लिखवा दिया आपके तो आप देख सकते हो कोई लाइन छूट नहीं रही है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है नोट्स में वो आने वाली आगे देखो जो मधुमक्खी होता है मेल जो मेल होता है बेटा मेल डू नॉट फादर ठीक है और उनके लड़के भी कभी नहीं आते मेल मधुमक्खी के पापा नहीं होते क्या मानते हो इस बात को बिल्कुल देखो ये हमारा मेल है ये मेल है मेल तो मम्मी से बन गया ना एग तो मम्मी की सेल थी। मेल को बनाने के लिए कोई पापा लगे नहीं तो जब मेल के कोई पापा मतलब ही नहीं लगा तो इसके कोई पापा है नहीं इसकी सिर्फ मम्मी है ये देख लो मम्मी अब मम्मी तो पापा से बनी होंगी मम्मी के पापा तो होंगे क्योंकि बेटा मम्मी डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड बनाने के लिए इसको अपनी मम्मी भी चाहिए होगी और इसको अपने पापा भी चाहिए होंगे तो मम्मी के पापा तो हैं और मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं नाना जी है ना तो इस ड्रोन इस के पापा नहीं है बट नाना है ठीक है तो वही लिखा हुआ है ये देखो क्या लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव फादर और ये सन्स भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि लड़का तो हमेशा फीमेल ही बना रही है ठीक है इसलिए मेल हनी भी सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो आगे देखो लिखा हुआ है बट हैव ग्रैंड फादर अभी बताया ना नाना जी थे एंड दे कैन हैव ग्रैंड सन येस डेफिनेटली कैसे ये देखो ग्रैंड सन्स कैसे बनेंगे ये मेल बना लिया ये देखो मान लो इसने बनाया स्पर्म ठीक है ये आगे जाके स्पर्म बनाएगा वो स्पर्म फ्यूज करेगा, ठीक है मतलब इसकी बेटी आएगी इसकी बेटी तो आएगी ये बेटी बना सकता है और उस बेटी का तो बच्चा आएगा जैसे इस बेटी का बच्चा आया है तो बेटी का बच्चा क्या कहलाएगा बेटा नाती तो ऐसे हनी भी के बस ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकते हैं ना पापा हो सकते ना बेटे हो सकते है। रीजन यहां पर है, क्लियर है तो यही लिखा हुआ है आप देख सकते हो बट हम बर्ड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जेड डिफरेंट कैसे है? क्योंकि पर फीमेल सेक्टर के है. तो हमने तो ये भी पढ़ लिया है, है ना तो आज का जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन था वो हमने कवर कर लिया है ये कुछ डायग्राम्स है आपको ध्यान देना पड़ेगा इन डायग्राम्स पे तो आप देख सकते हो ये फीमेल एक्स एक्स ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है ये मेल एक्स वाई हमारे में जो हेट्रोगेमेटिक होते हैं वो मेल होते हैं फीमेल तो बेटारी सेम सेम वाले क्रोमोजोम वाली होती है जहां सेम सेम क्रोमोजोम होगा वहां सेम सेम गेमीट बनेगा रिवाइज कर लो फटाफट ये से ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में बिल्कुल हमारे जैसा यहां पर फीमेल्स एक्सएक्स होती है मेल एक्स वाई होते हैं तभी हमने ड्रोसोफिला फीमेल को होमोमोर्फिक कहा था और क्योंकि सेम टाइप ऑफ गेमीट प्रोड्यूस करेंगे होमोगेमेटिक कहलाएंगे मेल्स यहां पर एक्स वाई वाले हैं तो होमो सॉरी सेक्स हेट्रोमोर्फिक्रोमोजोम है से, और क्योंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट गेमीज बनते हैं इसको इस हेट्रोगेटिक कंडीशन के अंदर पड़ा था यहां पर उल्टा हो जाता है यहां पर फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक हो जाती हैं और मेल्स होमोगेमेटिक हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो चित्र भी देख लिया हमने एनसीआरटी का जो दिया हुआ था अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है एक्सो टाइप हमने परंपरा को फॉलो करें कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ होमवर्क मिलेगा आपको

तो ऐसे जीन्स को हम लिंक जीन्स कहते हैं और लिंक जीन्स के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चलती है ठीक है है तो लिखा, लिखा हुआ डज नॉट गुड होल्ड फॉर द जीन्स बात सही है ठीक है नॉन जीन्स जीन्स अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट बखू भी चलती है रीजन देखो क्या लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट क्लोजली लोकेटेड जीन्स एसॉट इन डिपेंडेंटली इन द लाइट ऑफ अब स्टेटमेंट चूज द करेक्ट एंसर फ्रॉम दिवन बिलो क्लोजली लोकेटेड जींस एसॉट इंडिपेंडेंटली क्लोजली लोकेटेड जींस का मतलब लिंक जींस ही हो गया ना तो ये वाला तो सही है बट ये वाला गलत स्टेटमेंट है is right, R is wrong। तो देख लो कहां आंसर है Yes, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेंडल स्टडीज सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स एंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है सेवन कैरेक्टर्स एग्जामिन पी प्लांट सीड शेप एंड कलर फ्लावर का कलर था पॉड शेप था पॉड का कलर था फ्लावर पोजिशन था स्टेम हाइट था बिल्कुल सही है यही थे एक दो तीन चार पांच छ सात बिल्कुल सही है पहला भी सही दूसरा भी सही दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है नेक्स्ट देखो क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये हमने कल ही पढ़ा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है किसमें सेंटीमॉर्गन में या मैप यूनिट्स में और फिर आपको प्लॉट करना है सीक्वेंस बतानी है तो ये बेटा आपका होमवर्क है पहले आप खुद ट्राई करोगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर मैम मिलेंगी इसके सोल्यूशन के साथ दिस इज योर होमवर्क लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू ना ओके okay. इसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पर जैसे अगर आपसे पूछा जाए what is the probability? What is the probability of getting getting a baby boy baby boy in fifth pregnancy A female is expecting a child. फीमेल इज प्रेगनेंट फॉर दिफ्थ टाइम नाउ यू हैव टू टेलमी क्या चांस है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय जल्दी बताओ जल्दी सोचो क्या होना चाहिए आंसर हंड्रेड परसेंट है ना चाहते चाहते तो यही है लोग ऐसा होगा क्या नहीं हमने अभी पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कि 50 50 परसेंट चांस होता है बेटा लड़का भी आ सकता है लड़की भी आ सकती है तो चाहे पहली प्रेगनेंसी हो चाहे दसवीं प्रेगनेंसी हो पूरी क्रिकेट की टीम बना लो हमेशा 50 परस प्रतिशत ही चांस है तो भले फिफ्थ प्रेग्नेंसी के लिए पूछा है कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पूछ ले दे आंसर ओन वुल बी ओनली फिफ्टी परसेंट पचास प्रतिशत चांस है बेटा लड़की भी आ सकती है लड़का भी आ सकता अगर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराऊं व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ गेटिंग फोर सन्स टू कपल बताओ एक कपल के चार लड़के ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा चार बार जरूरी लड़के होंगे चार बार चारों के चारों बार लड़कियां भी हो सकती हैं और यही वजह है ना आपने देखा होगा फैमिलीज में लड़की आती रहती है तो उनको चाहिए होता है लड़का पता नहीं कौन सी मेंटालिटी के साथ चलते हैं ठीक है आपने नंबर देखता बढ़ता ही चला जाता है इस आस में है ना तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आपका लड़का या ये भी जरूरी नहीं हर बार लड़की आए दैट इज टोटली चांस फिफ्टी फिफ्टी तो अगर पहला बार में दे आर एक्सपेक्टिंग तो अगेन वन बाई टू का ही चांस है फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट टाइम इफ दे आर एक्सपेक्टिंग अगेन हाफ का ही चांस है नेक्स्ट टाइम तीसरी बार में भी थर्ड प्रेगनेंसी में हाफ का ही चांस है और चौथे बार में भी हाफ का ही चांस है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी देख लो क्या है टू टू फोर टू जो सिक्सटीन वन अपॉन सिक्सटीन ये चांस है बेटा कि एक कपल के चार लड़के चार बार क्यों दिखाए मैंने कि चार सन्स पूछे पांच बार पूछते तो मैं एक बार और वन बाई करती ठीक है थीके? सो so, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपको समझ में आना चाहिए आ, क्योंकि हमने सेक्स डोमिनेशन ह्यूमंस का पढ़ लिया है ठीक है तो होमवर्क जरूर बताओगे आलसी बच्चों होमवर्क करना है जो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्रोमोजोमल मैपिंग पे बेस्ड है ठीक है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर जहां पर हम बात करेंगे अबाउट म्यूटेशन की और कुछ और तरीके के क्वेश्चन और इनहेरिटेंस की तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एर